फॉग की वजह से फ्लाइट डिले हो गई। अरुण कह रहा आप कुछ भी करो, मुंबई की फ्लाइट कैसे भी हो तो उसे बुक करो, बट आई नीड टू रीच मुंबई एट एनी कॉस्ट। पता नहीं कपूर पूजा को कितना परेशान कर रहा होगा, बट डोंट वरी पूजा, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, तब तक मेरी सारी हिम्मत भी तुम्हारी। ऐसा क्यों लग रहा है नरेन कि आप मेरे साथ नहीं हैं, फिर भी आपकी हिम्मत मेरे साथ है। हमारी बहना अपने मन में एक भेद का बोझ लिए बैठी है। नैना पूजा की सौतेली बहन है, लेकिन पूजा ने कभी इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? नैना किस राज की मैंने बात करी? हर वो राज जो आपको दर्द दे, उसे मैं अपना बनाकर खुद में दफन कर लूंगी। बस एक बार ताता जी कहाँ हैं ये मुझे पता चल जाए, फिर उस कपूर को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। इसीलिए मैंने सोचा कि सुरभि और राहुल की नजर उतरवा ली जाए, ठीक किया ना भाभी? हाँ भैया। सु, आई विश नरेन और पूजा भी ऋषिकेश में होते। घर के नए वारिस के आने की खुशी में हम घर में एक ग्रैंड पार्टी करते, क्यों? नो नो नीलू, सुरभि को जितना आराम देंगे उतना बेटर है, और राहुल और तुम भी ये पार्टी वार्टी के चक्कर आप छोड़ो, जितना हो सके सुरभि के साथ रहो। डैड, आप बोलो तो सुरभि को ना दिन भर गोदी में उठाकर घूमता हूं। राहुल, कपूर के महल में आज न्यू ईयर्स की पार्टी है क्या? कप्पू भाई चीटिंग ना, साल के आखिरी धमाके के दिन आपने अपने सबसे करीबी को नहीं बुलाया। लगता है पूजा रानी आपके पास पहुंच गई, पर हमारे राम जी कहां रह गए? तुम्हारे ढोंग के सामने तो मिस्टर कपूर भी सच्चे निकले, कम से कम उन्होंने मुझे कॉल करके तुम्हारी सच्चाई तो बता दी। नरेन मेरी बात सुनिए,